आज की वीडियो के अंदर हम आपके एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे जो आपका मोलारिटी पे बेस रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए। न्यूमेरिकल आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान समझना। तो देखो, सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है, यहाँ पर हमें सोल्यूशन की मोलारिटी फाइंड आउट करनी है, यानी हमारे पास एक सोल्यूशन है, इसकी मोलारिटी हमें कैलकुलेट करनी है, जो क्या कंटेन कर रहा है, 5 ग्राम NaOH कंटेन कर रहा है 450 ml सोल्यूशन के अंदर। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। हमेशा आपको ऐसे करना है, तो से अगर आप करोगे तो आपको पेपर में नंबर भी अच्छे मिलेंगे। तो गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। तो गिवन इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पे हमारा सोल्यूट कौन है। तो देखो, सोल्यूट यहाँ पे हमारा कौन है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा NaOH किसके अंदर डिजोल है, आपका सोल्यूशन के अंदर डिजोल है। तो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे हमारा सोल्यूट है, तो सोल्यूट यहाँ पे हमारा हो गया NaOH। इसके बाद हम लिख लेते हैं मास ऑफ सोल्यूट, यानी सोल्यूट का मास कितना दे रखा है। तो गिवन मास हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो मास ऑफ सोल्यूट कितना मास यहाँ पे हमें सोल्यूट का दे रखा है, सोल्यूट यानी NaOH। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 5 ग्राम NaOH, तो यानी 5 ग्राम, तो इसका मास यहाँ पे गिवन है 5 ग्राम। इसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे मोलर मास निकालना होगा NaOH का, यानी सोल्यूट का। अब हम निकाल लेते हैं मोलर मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट यानी NaOH। तो NaOH का मोलर मास निकाल देते हैं, ये हमें फॉर्मूले से मिलेगा। तो देखो, Na का होता है 23, तो Na का रख लो 23। एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो यहाँ पे 16 रख लो। फिर प्लस एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो आपका टोटल आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल। यानी मोलर मास का मतलब क्या होता है, एक मोल का मास। तो NaOH के एक मोल का मास कितना होता है, 40 ग्राम। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट कर ली। इसके बाद देखो हमें क्या दे रखा है, जो हमें सोल्यूशन है इसकी वॉल्यूम दे रखी है। तो यहाँ पे वॉल्यूम लिख लेते हैं सोल्यूशन की, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें कितनी दे रखी थी, 450 ml। और जब भी आपको मोलारिटी कैलकुलेट करनी है, हमेशा याद रखना है वॉल्यूम का आपको लीटर में लेना है। तो ml को लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1000 से डिवाइड करके। तो इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 0 से एक 0 कट जाएगी, 5 से ऊपर नीचे डिवाइड करो, 5 9 = 45 20। तो आपकी वॉल्यूम आ गई सोल्यूशन की लीटर के अंदर 9/20 liter। तो इतना काम हमने कर लिया। अब चलिए सोल्यूशन कर देते हैं। अब देखो, उसका सॉल्यूशन करेंगे हम, तो हमें क्या निकालनी है, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऊपर हम रखते हैं नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्यूट के, और नीचे हम रखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी नीचे हम रखते हैं सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर के अंदर। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने किसके, सॉल्यूट के, तो ऊपर हम क्या रखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट यानी जो गिवन मास है सोल्यूट का, और नीचे हम रख देंगे मोलर मास ऑफ सोल्यूट, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो देखो, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे यहाँ से हमें, तो नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के निकल जाएंगे फिर यहाँ से हमारे। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा था, ऊपर हमने देखो यहाँ पे लिख रखा था, ये था हमारा 5 ग्राम, तो इसे रख लें यहाँ पे 5, ऊपर आ जाएगा आपका 5, और नीचे मोलर मास कितना आया था इसका, 40, तो आपका आ जाएगा 1/8 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1/8। अब इन वैल्यू को उठा के सारी हुई, जो आपकी देखो नंबर ऑफ मोल्स मिल गया आपको, और वॉल्यूम हमें पता ही है, वॉल्यूम हमने यहाँ पे निकाला था 9/20। इन वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर लो, तो यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स हमारे कितना है 1/8, और वॉल्यूम कितना है 9/20। अब सोल्व कर लो, ये ऊपर चला जाएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा, तो 20 × 1 = 20, 9 × 8 = 72। इसके बाद डिवाइड कर लो, जब डिवाइड करोगे 4 से तो ऊपर आ जाएगा 5/18। अब ये आपका जो 5/18 आया, यानी यहाँ पे आपकी जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी आपकी आई 5/18। इसे जब आप सोल्व करोगे, तो देखो 5 को जब आप 18 से डिवाइड करोगे, तो डिवाइड तो आप खुद कर ही लोगे, तो यहाँ पे आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा 0.278 mol/L। मोल पर लीटर मोलैरिटी की यूनिट होती है। तो बच्चे, पूरा कॉन्सेप्ट ऐसी, और एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल की अगर आपको वीडियो देखनी, तो यहाँ पे आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जाके आप क्लिक करके देख सकते हो। तो बच्चों, वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो बाय, लव यू गाइस।